अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बड़ी मसरूफियत थी मेरी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकी, वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। आज मैं आपको दो रेसिपीज़ बताऊंगी और साथ में रिव्यू भी दूंगी, एक मारिया बिलाल पे, अक्सा अली पे और स्वीटी पे, ठीक है, मोहसिन बीबी इनफैक्ट। तो जनाब, सबसे पहले तो मुझे मारिया बिलाल से बात करनी है और साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी और साथ साथ मैं रिव्यू भी आपको दूंगी इन पे, इन सब पे। तो बस कहने का मकसद ये है कि आप लोग मेरे साथ इन टच रहें, एंड तक मेरी वीडियो देखें और रिव्यू से भी फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीद हों और मज़े लें। और क्या कहना चाहिए, बस यही। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। ये है दो रेसिपीज, दो हांडियाँ, दो डिशेस। एक है बीफ कढ़ाई और एक है वाइट चिकन कढ़ाई। तो जनाब, पिछले दिनों मैंने रिव्यू डाला था मारिया बिलाल पे, और वो इस सिलसिले में डाला था कि इन्होंने बहुत शोर मचा के रखा हुआ था, फर्स्ट वाइफ फर्स्ट वाइफ फर्स्ट वाइफ, और मारिया बीबी जो हैं वो पाक दामन खातून, सर पे दुपट्टा शुपट्टा ले के बैठ के कोने में बैठ के और दूसरे कोने में फर्स्ट वाइफ को बिठा के, आई मीन इमेजिनरी, जो गूगल से इन्होंने पिक्चर निकाली बिलाल ने, तो थंबनेल में वो डाली। फिर एपिसोड्स भी चली, कोई चार पांच तो चली होंगी एपिसोड्स, और फर्स्ट वाइफ का बहुत धूम धड़क्का हो रहा था, घर भी देखा जा रहा था, ब्राइडल ड्रेस भी देखा जा रहा था, सारे इंतजाम पूरे हो रहे थे, इसका कमरा नहीं तो उसका कमरा नहीं तो वॉशरूम जाना होगा तो फिर क्या होगा, और बच्चों की वजह से तो ये वो, मतलब इतने रीजंस एक्सक्यूजेस, घरों को बाहर से जा जा के देखा जा रहा था, यानी कि बस हद ख़त्म की हुई थी कि हम समझे कि चलो भाई फर्स्ट वाइफ एग्जिस्ट करती है और अब जो है तो वो तो आने ही वाली है, विद इन अ वीक तो वो पहुंचने वाली है। बट राइट नाउ मैं देख रही थी कि खैर मैंने इतने दिनों से देखा भी नहीं इनका, तो रेंडम कोई वीडियो इनकी आई तो वो कुछ आम सी थी, आम इनके वही जो वीड लॉगिंग से रिलेटेड होती है, हम इधर गए, ये शॉपिंग की, ये खाया वो पिया है। मैंने कहा फर्स्ट वाइफ कहाँ गई, जिसका इतना थंबनेल लगा हुआ था, बेचारी मजलूम बन के आ जाती थी मारिया और बिलाल साहब अपनी तरफ से लगी हुई थी कि मारिया बिलाल के नाम जी वो है एटीएम है और जी बैंक अकाउंट है तो फलाना है तो ढिमकाना है, और लेकिन फर्स्ट वाइफ कहाँ गई। अभी तो 15 डेज होने को आ रहे हैं, 20 दिनों से मगज़ खाया जा रहा था, पहली बीवी पहली बीवी, नादरा के ऑफिस गए तो ये हुआ, शनाख्ती कार्ड पर मतलब बहुत सारी बातें हुई, हमारे दिमाग की दही कर दी, वो कौन सी बात थी जो छोड़ी हो, यानी कि अभी फर्स्ट वाइफ का जिक्र कर करके हमें हिफज करा दिया कि बिलाल की माजी में उससे कैसे टर्म्स थे और उससे कैसे मुलाकात हुई, फिर शादी कैसे हुई, नाराज़गी कैसे हुई, मारिया हीरोइन बन के इनके ऐन दरवाजे के सामने कैसे खड़ी हो गई। अच्छा जी, साथ साथ मैं दही बड़े भी बना रही हूँ और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको वो भी दिखा दूँ, ठीक है। और दही बड़ों की तो खैर मैंने अपने चैनल में बहुत सारी रेसिपीज़ बना रखी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, और चिकन की भी बहुत रेसिपीज़ हैं तो काइंडली आप चेक कीजिए, आपको मिलेगी। लेकिन मैंने अपने शौक़ में ये वाइट कढ़ाई की एक वीडियो बस डाल दी। तो जनाब ऐसा है, इसमें तो मैंने खैर वही प्याज को ब्राउन किया, फिर दही में ग्राइंड किया डाल के, और देन मसाला बन गया तो फिर मैंने इसमें फ्राई कर दिया और चिकन भी डाल दिया। अब ये मैं डाल रही हूँ लहसुन पाउडर और इसके बाद डालूँगी अदरक पाउडर। ये बीफ कढ़ाई बनाने की तैयारी है और इनको फ्राई करूँगी, देन मैंने इसमें बीफ डालना जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है, हाफ डन है, ठीक है।
तो जनाब मैं किधर थी, मैं थी कि जी बिलाल की जो लव स्टोरी है, जो पहली बीवी वाली, वो तो हमें मारिया बीबी ने हिफ़ज करा दी, और जो मारिया ने अपनी सुनाई वो भी हमें पता है। सो व्हाट्स न्यू, मतलब नयापन फिर इसमें क्या है? या जस्ट उन वीडियोस में आपने व्यूज़ कमाने थे, फिर घर घर खेलते रहे, ये घर देखा वो घर देखा, मतलब इतना खूबसूरत घर का 35,000 कराया बिलाल बता रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल, आजकल इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, और आप 35,000 कराया बता रहे हो? नहीं, ये तो सफ़ेद झूठ है, सरासर झूठ है, और हमें इस चीज़ पे यकीन ही नहीं है। भाई हमें तो पहली बीवी चाहिए, हमें पहली बीवी दिखाओ, क्योंकि जब आप अपने ऑडियंस को पागल करते हो ना, कभी इधर भगा रहे हो कभी उधर भगा रहे हो, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आपसे पूछें कि भाई कहीं से भी लाओ, किसी को भी बना के लाओ, लेकिन फर्स्ट वाइफ को एक्सपोज करो, उसको उसके घर से उठा के लाओ। क्योंकि आप लोगों के ही चैनल पे एक थंबनेल था जिसमें लिखा था फर्स्ट वाइफ के बच्चे, भाई बच्चे कहाँ से हो गए? बिलाल तो मारिया के साथ है और बकोल इनके, इन्होंने तो आपस में कोई टाइम भी नहीं गुजारा फर्स्ट वाइफ के साथ। तो फिर ये देखे जी, हमारी बीफ कढ़ाई बन गई और वाइट चिकन कढ़ाई भी। तो लेट्स कंटिन्यू द रिव्यू अगेन। तो जनाब हमें आप बताइए कि पहली बीवी की क्या कहानी है, और अब तक वो आपके घर में आई क्यों नहीं, जिसके लिए इतनी ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही थी, ब्राइडल ड्रेस देखा जा रहा है, घर देखा जा रहा है, फिर उसका पोर्शन पे डिस्कशन चल रही थी, और फिर हमें दोबारा से रिफ़्रेश माइंड में कराया जा रहा था कि भाई ये स्टोरी है। तो अब जो एपिसोड्स गुजरी हैं, जो स्टोरीज़ जो इनकी अभी वीडियोस गुजरी हैं, उनमें तो एक जगह भी फर्स्ट वाइफ का जिक्र नहीं है। तो कहाँ गई फर्स्ट वाइफ, यानी कि वो खिलौना है व्यूज़ बनाने का, वो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने गिरते हुए व्यूज़ को संभालते हैं कि वो अप चले जाएं, क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल कि ऑडियंस जो है वो मसाला चाहती है, तो मसाला बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, और आवाम किधर पीछे पीछे भागेगी, ऑडियंस किधर इन्वेस्टिगेट करती फिरेगी कि भाई पहली बीवी की हकीकत क्या है। मतलब ये कि आप उनके जज्बात से खेल रहे हैं, मारिया अलग खेल रही है अपने हिसाब से, बिलाल अपने हिसाब से खेल रहे हैं, यानी कि सितारा यासीन वाला जो केस है वो आप रीओपन करना चाहते हैं, लेकिन टाइटल आपके नाम से है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि अगर आज वो बड़ी यूट्यूबर हैं तो जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने मसाले की भरमार कर दी थी, जैसे कोई बिरयानी में डालता है स्पाइसेस, और फिर ज़ाहरी बात है मज़ा तो सबको आता है कि इतनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी है, और लेकिन बिलाल भी किसी शेफ़ से कम नहीं, उन्हें पता है कि वीडियो में कितना मसाला डालना है, कितने चमचे नमक मिर्च और शान के या नेशनल के मसालों का डब्बा लेके पूरा उंडेलना है जिससे इनके गिरते हुए व्यूज़ बढ़ जाएं। तो बिलाल पहली बीवी को लाओ और हमारे सामने लाओ, क्योंकि हम कोई फारिग लोग नहीं हैं कि बैठ के तुम्हारी फजूल की बक बक बातें और इधर उधर की कहानियां सुनते रहें। हमें रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, हमें रिज़ल्ट चाहिए, और आप वो औरत लड़की जहां से भी लानी है आप लाएं, उसके बच्चे भी लाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपके दो या तीन बच्चे नहीं हैं मारिया से, बल्कि पहली बीवी से भी इतने बच्चे। लेकिन ये भी बताना है कि वो बच्चे आए कहाँ से, क्या उसने शादी कर अक्सर ली जी, क्या गुर पाए आप लोगों ने, घर शिफ्ट किया, एक एक चीज़ आप लोगों ने उठाई संभाली हमें दिखाई, और ये फिर ये चीज़ हम यहाँ रख रहे हैं, ये चीज़ हम वहाँ रख रहे हैं, हर एक चीज़ हमें बताई, पैक करते हुए भी दिखाई और अनपैक करते हुए भी दिखाई।
तो भई हमें क्या इंटरेस्ट है आप लोगों की चीज़ों में? कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी जी होम टूर है, तो अभी किचन टूर है, तो अभी पहले तो खैर वॉशरूम का टूर भी करवाया था हमें, एंड देन अभी जो अक्सर साहिबा हैं वो मैंने कभी सुना नहीं वैसे आपस की बात है, वो मेकअप टूर दे रही थी अक्सा। तो मेकअप टूर होता क्या है? मैंने सुना नहीं, हो सकता होता हो मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन तो मतलब ये कि हर जगह कुछ ना कुछ ब्लंडर तो आप लोगों ने करना ही है, और अब तो मेकअप टूर भी होता है, और अब तो खैर से अपनी छोटी बेटी का एक चैनल भी बना लिया है, यानी कि अली की ज़िम्मेदारियों में बहुत इजाफा हो चुका है। ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में मेन जो चीज़ है बस यही रह गई है कि हमने शिफ्टिंग करनी है, हमने सामान पैक करना है, अनपैक करना है, फिर एक एक कमरे का हमने टूर करवाना है। मारिया बिलाल लोग पहली बीवी को हमें हिफ्स करवा रहे हैं। आप लोग जो हो अपने घर का एक एक कोना दिखा के हमें हिफ्स करवा रहे हो, ये हमारा बेडरूम इस तरह का है, फलानी जगह इस तरह की है, किचन इस तरह का है, हमने धुलाई कर ली, हमने ये कर लिया। अब इस घर में भी देखते हैं कब कीड़े निकलना शुरू होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, लेट्स सी होता क्या है। और स्वीटी जी को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो सआदत हासिल करके आई हैं उम्रे की, और अल्लाह मुबारक करे। उन्होंने मुझसे इससे रिलेटेड बात की कि मैंने उनके बारे में वीडियो क्यों बनाई। अभी मेरे ख्याल से इस वीडियो से पहले बनाई होगी या उससे पहले बनाई होगी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो उस वीडियो में थोड़ी कुछ बात ऐसी हो गई थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इंस्टा पे DMs आ रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि भई आप ऐसी बात करें, हालांकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, ना मैं करना चाहती थी। और लेकिन ये है कि स्वीटी जी ने जो मुझे मैसेजेस किए थे तो फिर रिप्लाई भी मैंने उनको कर दिया। तो जी मेरा दिल साफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तो खैर पहले भी आपका चैनल देखती थी, अभी भी देखूँगी, क्योंकि मैं जिस बात से मना हो जाऊँ मैं फिर वो काम नहीं। मोहसिन ने डिनर किया अपनी बहन का, अल्लाह ये मोहब्बत कायम दायम रखे, बहुत अच्छा लगा, और बहन भाइयों में इसी तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।